सबको नमस्कार। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स सीबीएसई सिलेबस या एनसीईआरटी सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर्स के बारे में समझ लेंगे। पहला है नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय द इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट कैपिटल एन। तो ये कैपिटल एन जो है उसके अंदर रहेगा काउंटिंग नंबर्स, मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक चला जाता है। नेक्स्ट होल नंबर्स। 0 अलोंग विथ ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय द इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट डब्ल्यू। मतलब नेचुरल नंबर्स में जितना भी नंबर्स है सब आएगा, उसके अलावा 0 ऐड होएगा, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगला जो है इंटीजर्स। ऑल नॉन फ्रैक्शनल एंड नॉन डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इट इज डिनोटेड बाय द इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट जेड। तो इसका मतलब कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, कोई भी डेसिमल नंबर्स नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर्स आ सकता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो मतलब ये जेड जो है, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से चालू होकर के, समझिए 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह इनफाइनाइट पॉजिटिव तक चले जाते हैं। रैशनल नंबर्स। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेर वो जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं रहना चाहिए, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाई द इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट क्यू। मतलब कोई भी रैशनल नंबर्स जो है इस तरह हो सकता है, हम उसको जो है इस तरह लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू लिख सकते हैं। इसमें कंडीशन है क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों जो है इंटीजर्स होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए कोई भी इंटीजर को हम पकड़ सकते हैं। मतलब हम 2 को भी रैशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं, 2/1 या 4/2 इस तरह, और बाकी 3/7 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर का इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इस तरह। तो इस तरह कई सारा एग्जाम्पल्स है। इरेशनल नंबर्स इसकी ऑपोजिट है, मतलब कोई भी नंबर को हम पी बाई क्यू के हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। मतलब वो खत्म नहीं होता है, डेसिमल में हम कन्वर्ट करने से डेस खत्म नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है, नॉन रेकरिंग। एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, 7.01, उसके बाद 001, उसके बाद 0001, 0001, मतलब एंड ही नहीं हो रहा है। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो भी एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी इरेशनल है, क्योंकि इसकी हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने से वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है। इसकी वजह से इन एग्जाम्पलों को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इसको जनरली हम डिनोट करने के लिए कैपिटल आर यूज करते हैं, तो हम कैपिटल आर को डिफाइन कर सकते हैं सेट की तरह, एक्स सच दैट नेगेटिव इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन पॉजिटिव इंफिनिटी। तो मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है, वो सारा जो है रियल नंबर्स होता है।
prime numbers. The natural numbers greater than 1, which are divisible only by 1, greater than 1 बोलने से 1 जो है prime number नहीं होता है, which are divisible only by 1 and the number itself are called prime numbers. मतलब यहाँ पे 2 example दे रखा, 3 दे रखा, 4 नहीं दिया, क्योंकि 4 में it can be divisible by 1 होता है, 4 होता है और 2 से भी divide होता है, लेकिन prime numbers में खाली दो ही फैक्टर होता है. यहाँ पे हम 2 का एग्जाम्पल ले लें तो वो डिवाइसेबल बाय 1 है और डिवाइसेबल बाय 2 है, और कोई नंबर नहीं है. तो ये एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17 भी है, 19 भी है, उसी तरह. कंपोजिट नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइसेबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर और नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. एग्जाम्पल्स के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12. अभी हम 10 लेंगे तो उसकी फैक्टर एक होती है 1, और 2 भी है, 2 भी डिवाइसेबल होता है, उसके बाद 5 भी डिवाइसेबल होता है, 10 भी डिवाइसेबल होता है. इसका मतलब ऑल कंपोजिट नंबर्स को मोर देन 2 फैक्टर्स रहता है. अगला हम थ्योरम देखेंगे. थ्योरम 1.1, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा. गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये जो आर है 0 और बी के अंदर में रहना मांगता है, और आर जो है 0 हो सकता है, लेकिन R जो है B से कम होना चाहिए. इधर में हियर A जो है हम डिविडेंड बोलते हैं, और B को जो है डिवाइसर बोलते हैं, Q को हम कोशेंट बोलते हैं, और R को रिमाइंडर बोलते हैं. एक एग्जाम्पल के लिए हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, ए को 17 मानेंगे और बी को हम 2 मानेंगे, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है. अब हम डिवाइड करेंगे तो 17 को 2 8s आर 16 होता है, तो रिमाइंडर जो है 1 हो जाता है. इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए मतलब 17 को हम लिख सकते हैं बी टाइम्स क्यू मतलब 2 टाइम्स 8 प्लस 1. उसी के हिसाब से यहां पर लिखा हुआ है ए जो यहां पे एग्जांपल में 17 है, बी जो है डिवाइसर है वो है 2, क्यू जो है कोशेंट है वो है 8 प्लस रिमाइंडर है 1. तो कोई सभी 2 इंटीजर को इस तरह हम लिख सकते हैं. अगला थ्योरम है 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. तो एक एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे एक कंपोजिट नंबर 32760. अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 32760 को, सिंस ये इवन नंबर है, हम 2 से डिवाइड करेंगे. 16, 2 3s आर 6, 2 8s आर 0. फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 8s आर 16, 2 1s आर 2, 2 9s आर. फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4s आर 8, 2 9s आर 18, 2 5s आर. अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8s आर 40 और 5 1s आर 5, 5 9s आर. फिर से हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2s आर 6, 3 7s आर, 3 3s आर, 3 9s आर, 3 1s आर, 3
इसको तो 3 से डिवाइड नहीं होएगा, 7 से होएगा। 7 से डिवाइड करने से 13 निकलता है। तो अभी ये सारा प्राइम नंबर्स है, 2, 5, 3, 7, 13। तो इसका मतलब हम 32,760 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13, या हम उसको लिख सकते हैं 2 cube multiplied by 3 square multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 13। तो वही यहाँ पे थ्योरम में बोला गया, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यही है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब ये जो नंबर्स है, मैंने अभी यहीं पे देखेंगे तो 2, 2, 2, 5 नहीं लिखा मैंने, थोड़ा ऑर्डर चेंज किया, असेंडिंग की तरह असेंडिंग ऑर्डर में लिखा मैंने। तो मतलब ऑर्डर बदल सकता है, लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, एक ही जैसा है। अगला थियरम हम देखेंगे, 1.3। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अभी हम खाली ये थियरम देख रहे हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है बाद में हम देखेंगे। तो अगला जो है थियरम, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। हम इसको अगला पेज में लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इसको। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला हम इसका ऑपोजिट वाला लेंगे, मतलब हम समझ लेंगे, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी यह रैशनल नंबर। हम इसका कॉन्वर्स अस्यूम कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिट अस्यूम कर रहे हैं। तो वो रैशनल नंबर रहने से हम जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम ए डिवाइडेड बाई बी बोल करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर ए एंड बी आर को प्राइम्स। मीन्स कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर फॉर बोथ ए एंड बी इज वन ओनली। तो इस तरह हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा रूट 2 into square into b इज इक्वल टू ए। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट 2b² इज इक्वल टू a² तो इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं, टू इज या हम उस तरह लिख सकते हैं, हम इस तरह लिखने के बदले में ए स्क्वायर को हम 2b² लिखने से ए स्क्वायर इज डिवाइसिबल बाई 2 कंक्लूड कर सकते हैं। तो वो जो पिछले वाला प्रॉपर्टी है, कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, ऑन दैट बेसिस उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर इज डिवाइसिबल बाई 2 बोलने से ए इज ऑल्सो डिवाइसिबल बाई 2। तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये को प्राइम का, मतलब हम लिख सकते हैं लेट सी बी एनी इंटीजर
and let A equal to 2C, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर जो है इसका मतलब 4C स्क्वायर हो जाता है। हम इसको इक्वेशन वन मान करके चलते हैं, तो इक्वेशन वन को हम वापस लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर, और ए स्क्वायर ऑलरेडी हमने 4C स्क्वायर लिख रखा था, तो इसका मतलब बी स्क्वायर को हम 2C स्क्वायर बोल सकते हैं, विच मीन्स 2 इज डिवाइसेबल या तो हमको इस तरह लिखना है 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, उसका मतलब ये है 2 मतलब यहां पे इसको निकालता हूं 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर का मीनिंग है 2 डिवाइड्स बी। उसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड उससे हम ये और एक कंक्लूड कर सकते हैं ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स, मतलब को प्राइम का मीनिंग ये है एक ही फैक्टर हो सकता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का एक बोल करके, लेकिन यहां पे 2 भी एक फैक्टर आ जाता है, 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर बोल करके होने से हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विच मीन्स इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर इनिशियल असम्पशन। पहला जो हमने अस्यूम किया हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है रैशनल नंबर बोल करके उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है इनिशियल असम्पशन। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस तरह हम प्रूव कर रहे हैं। अगला थियरम है लेट स्मॉल एक्स बी ए रैशनल नंबर हूज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर एन 5 पावर एम वेर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। समझेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे इस थियरम को। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे 3/8, तो हम इसको अभी डिनोमिनेटर को मतलब वो जो क्यू है उसको हम फैक्टराइज कर करके देखते हैं 2 4s और 2 2s और, तो इसका मतलब हम न्यूमरेटर को एज इट इज 3 लिख करके डिनोमिनेटर को 2³ लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई 5 तो नहीं है तो हम 5^0 लिख सकते हैं। तो हम देखें ये जो 3 है वो n हो जाता है, m है वो 0 हो जाता है, दोनों 3 और 0 जो दोनों जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही है, ये एक एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 13/125। अब हम 125 को जो है फैक्टराइज करने की देखते हैं 525 सर 55 सर, मतलब हम 13/5³ लिख सकते हैं, यहाँ 2 तो नहीं है हम 2^0 लिख सकते हैं, तो हम उसको भी इस तरह एक्सप्रेस कर सकें। अगला एग्जाम्पल 7/80, तो 80 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 240 सर 220 सर 210 सर 25 सर,
मतलब हम 7 डिवाइडेड बाई 2 to the power of 4 लिख सकते हैं, 5 power 0 लिख सकते, 5 power 1 लिख सकते हैं, सॉरी। तो थियरम का मतलब हमने एग्जाम्पल से समझा है, तो अभी हम अगला थियरम में जाएंगे। थियरम 1.6, लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 power n, 5 power n, वेर n कमा m और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन एक्स हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। इसी थ्योरम का थोड़ा सा करोलरी बोलते हैं या कॉन्वर्स बोलते हैं, मतलब इसी थ्योरम से इस तरह वापस लिख सकते हैं हम। अगला थ्योरम है 1.7, लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड दिस एक्स बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू is not of the form 2 power n 5 power m where m and n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating and recurring, मतलब repeating। रिपीट होता है, ये एक थियरम है। अगला वीडियो के अंदर में हम कुछ एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं।